कल कल के चाहे हमने 4 दिन लग जाओ, 5 दिन लग जाओ, कितने दिन लग जाओ, हमें अपना न्याय लेकर जावेंगे और जो हमारे सख्त मोर्चा को होंगे उसके अनुशासन पर चलेंगे, उसे जो जैसे कहेंगे ना उसे उनका आदेश मानेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कानूनों के तो अलग है, जो ये लड़ाई है ना, जो सुशील काजल मर्डर कराया है ना उसका, किसानों पर हमारे चोट मारी बैठे बैठे, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे, इनका बदला हम चून चून के लेवाएंगे, एक एक बूंद का हिसाब लेवाएंगे, सूद समेत लेवाएंगे, क्योंकि हमें बैठे थे हमारे बैठे बैठे यहाँ पर लाठीचार्ज कराया है, किसने आदेश दिया है उस कत्ल हत्यारे को है ना सलाखों के पीछे कराया जाए। देखिए हमने यहाँ सिर्फ अपने शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता कि हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले। रणनीति हमारी यही है कि हम यहाँ डटे हुए हैं, जब तक सरकार हमारे शहीद के परिवार को 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देती, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देते, और जो SDM है जिसने गुंडे की बात की सीधा ये कहा कि सिर फोड़ो किसानों का, उसके उसके ऑर्डर के बाद हमारे एक जवान के चोट लगने के कारण शहीद हो गया, तो हमारे उस शहीद किसान को न्याय दिलाने के लिए उसके ऊपर धारा 302 लगनी चाहिए, SDM के ऊपर धारा 302। देखिए बात ये है, मैं अभी भी हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही किसानों का अब तक का सब्र देख लिया, हमारे किसान जबर का मुकाबला सब्र से कर रहे हैं, ज़्यादा अंत ना लो, हम तो जितनी भी देर रखोगे चाहे सालों तक रखो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अभी भी मौका है कि उस SDM के खिलाफ दोषियों के खिलाफ पुलिस पर्चे दर्ज कर दो, तो ये किसान बाकी जो हमारे चल रहे हैं धरने चल रहे हैं टिकरी पे हैं सिंगू पे हैं जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जाएं और यहाँ से हम जाएं, हम ये चाहते हैं। तो आपने 144 धारा लगा के देख ली, बैरिकेड लगा के देख लिए, और मिर्ची का पानी की बुछाड़े गंदे पानी की और उसमें मिर्ची डाल के बुछाड़े करके भी देख लिया, लेकिन आपने जो भी करना था वो कर लिया, लेकिन किसानों ने जो मुकाबला था जबर का मुकाबला सब्र से किया, इससे ज़्यादा अगर प्रशासन दोबारा से किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करता है या बातचीत करने का रास्ता खोलता है तो दोबारा से बातचीत करेंगे? बिल्कुल, किसान कभी भी आज तक एक साल हो गया हमारे को, हम रेलवे ट्रैक पर पंजाब में बैठे रहे, 10 महीने हमारे को यहाँ दिल्ली के चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं बातचीत से भागे ही नहीं है, जो भी मसले का हल होगा वो बातचीत से निकलेगा, हमारे किसान हम लोग बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चाहे तो कल कल के चाहे हमने 4 दिन लग जाओ, 5 दिन लग जाओ, कितने दिन लग जाओ, हमें अपना न्याय लेकर जावेंगे और जो हमारे सख्त मोर्चा को होंगे उसके अनुशासन पर चलेंगे, उसे जो जैसे कहेंगे ना उसे उनका आदेश मानेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कानूनों की तो अलग है, जो ये लड़ाई है ना, जो सुशील काजल मर्डर कराया है ना उसका, किसानों पर हमारे चोट मारी बैठे बैठे, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे, इनका बदला हम चून चून के लेवाएंगे, एक एक बूंद का हिसाब लेवाएंगे, सूद समेत लेवाएंगे, क्योंकि हमें बैठे थे हमारे बैठे बैठे यहाँ पर लाठीचार्ज कराया है, किसने आदेश दिया है उस कत्ल हत्यारे को है ना सलाखों के पीछे कराया जाए, हमारी यही मांग है। जो 3 नई जो डिमांड थी उनको नहीं माना जा रहा, विफल वार्ता हुई उसके बाद तमाम। देखिए हमने यहाँ सिर्फ अपने शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता कि हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले, टाइम कितना भी लगे, हमें एक दिन एक रात यहाँ बैठे हुए हो गया, हम पूरी रात से ये हैं, अभी अगर सरकार ने जितनी जल्दी इसको करे नहीं तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, जितना सरकार देर करेगी उतनी ज़्यादा भीड़ होगी, और मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ किसानों से इतना क्यों डरे हुए हैं, जिस पुलिस BSF का काम बॉर्डर पे होता है, देश के बॉर्डरों पे होता है, चाहे चाइना बॉर्डर पे हो पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, आज BSF को हमारे किसानों के सामने लाके खड़ा कर दिया, इतने डरे हुए हैं किसानों से, हम नहीं हत्ते हैं, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, तो BSF बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, हम आतंकवादी या हमें जो टैग दिया वो आतंकवादी खालिस्तानी, तो क्या हमें सच में खालिस्तानी समझ रहे हैं ये? मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सामने हमारे यूनिफॉर्म में BSF के जवानों को खड़े देखा, कि हमें इतना बड़ा दुश्मन मानने लगे, हम
देश के अंदर ही दुश्मन बना दिए सरकार ने। कल को वो आर्मी को बुला लो अगर इतना ही हमारे से खतरा है तो, और जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना उस दिन ना BSF कुछ बिगाड़ पाएगी ना आर्मी बिगाड़ पाएगी। अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही है कि हम यहाँ डटे हुए हैं, जब तक सरकार हमारे शहीद के परिवार को 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देते, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देते, और जो SDM है जिसने गुंडे की बात ही सीधा ये कहा कि सिर फोड़ो किसानों का, उसके ऑर्डर के बाद हमारे एक जवान के चोट लगने के कारण शहीद हो गया, तो हमारे उस शहीद किसान को न्याय दिलाने के लिए उसके ऊपर धारा 302 लगनी चाहिए, SDM के ऊपर धारा 302। पहला तो भाई दसवा भी ना लग गया, किसान मजदूर के साथ है उस दिन के, और कल भी आज भी जो हमारी मांगे है असली मांगे, हमारे 3 काले कानून और MSP पर कानून लागू हुआ तो हमारी मैन लड़ाई है, और जो ये कल की मारी हमारा एक किसान शहीद हुआ है उसके 25 लाख रुपये सरकार पर, एक उसके घर में से नौकरी, जो और हमारे शहीद है उनका चोट लगी है वो किसाना का, उनको हम 2-2 लाख रुपये, जो ये हमारी आड़ा करनाल की मांग है ये हमारी पूरी हो जब हम ये 10 रुपये यहाँ से उठावेंगे, चे आड़ा भी ना लागो, चे ये आज मान लो खट्टर साहब जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा जो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, किसान मजदूर अपना टिकरी बॉर्डर पर मैन धरना है, ओड़ा हमारी लड़ाई मैन ओड़ा।